Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. Meerut ke Shastri Nagar mein din dahade Pradeep Sharma ki hatya karne wale ek badmash ko police ne mudbhed ke baad giraftar kar liya. Giraftar badmash Sameer ke pair mein goli lagi hai. Pradeep Sharma ki hatya घर के बाहर उस वक्त की गई थी जब वह मोबाइल पर वार्ता करते हुए बाहर आया था। प्रदीप शर्मा की हत्या करने से पूर्व बदमाशों ने भावनपुर थाना इलाके में बाइक लूटी थी। इसी बाइक से बदमाश शास्त्री नगर पहुंचे थे। दरअसल खरखौदा के बामनपुरा निवासी प्रदीप शर्मा शास्त्री नगर L2 में पत्नी नीतू शर्मा के साथ रहते थे। नीतू की 14 साल पहले प्रदीप के बड़े भाई राहुल से शादी हुई थी। 5 साल पहले राहुल की एक हादसे में मौत हो गई थी। तब से नीतू व प्रदीप बतौर पति पत्नी रह रहे थे। हालांकि कुछ समय से दोनों के बीच विवाद होने के कारण प्रदीप खरखौदा में रहने लगा था। हाल ही में जमीन बेचने पर नीतू 5 लाख की FD बेटी के नाम कराने की जिद कर रही थी। इसे लेकर ही प्रदीप बीते दिवस शास्त्री नगर पहुंचा था। गंभीर बात यह भी रही कि किसी का फोन आने पर प्रदीप बात करते हुए बाहर आया, तभी घात लगाकर मौजूद बाइक सवार दो लोगों ने उसे गोली मार दी। प्रदीप को पड़ोसी तो अस्पताल ले गए, लेकिन नीतू ने हाथ तक नहीं लगाया। आज सुबह पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल समीर नामक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। देखिए। इस बारे में एसपीसीटी पीयूष कुमार ने फर्स्ट बाइट को यह जानकारी दी। ये कल नौचंदी थाना क्षेत्र में शास्त्री नगर में प्रदीप शर्मा नाम के एक व्यक्ति की हत्या उसके घर के दरवाजे पे दो व्यक्तियों के द्वारा कर दी गई थी। इस घटना के संबंध में थाना नौचंदी पर संशय धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए थाना पुलिस के साथ साथ SOG टीम को भी लगाया गया था। आज मुखबिर की सूचना पर यह जानकारी प्राप्त हुई कि यह घटना में शामिल अभियुक्त दिल्ली की तरफ भागने के फिराक में है। इस सूचना पर SOG टीम द्वारा बदमाशों की घेराबंदी की गई और उन्हें लाल क्वार्टर के पास घेर लिया गया। बदमाशों के द्वारा पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस द्वारा भी आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई, जिसमें एक बदमाश जिसका नाम समीर बताया जा रहा है गोली लगने से घायल हो गया है। बदमाश को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है। इसका एक साथी भागने में सफल रहा है। बदमाश के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और पिस्टल बरामद की गई है। यह जानकारी में भी आया है कि जो मोटरसाइकिल कल घटना में प्रयुक्त की गई है यह परसों थाना भावनपुर क्षेत्र से लूटी गई है, जिसके संबंध में भी थाना भावनपुर पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। विस्तृत पूछताछ की जा रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट TV। नमस्कार।